भागलपुर जिले की अनुमंडल परिसर में गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भागलपुर सांसद अजय मंडल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। हालांकि उन्होंने अपनी बात को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझने वाले उनकी बात का मतलब समझ गए। दरअसल जदयू विधायक गोपाल मंडल ने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने के सवाल पर भागलपुर सांसद अजय मंडल को लेकर अपना बयान दिया। बाढ़ जहाँ पानी दिखाए पर वहाँ रिलीफ दिया जाएगा, सबको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे घर द्वार कट रहा है, उसका भी इंतजाम हो रहा है। समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के सीरोपट्टी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक भाजपा नेता सस्वर व्यवसायी रघुवीर स्वरकार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जिला इकाई के द्वारा आगामी 5 सितंबर को जिला मुख्यालय में अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले की जाँच को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी श्री रघुवीर स्वर्णकार जी की जो हत्या हुई है, ये बहुत दुखद है। हत्या के अगले दिन विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री विजय सिन्हा जी भी आए थे और पार्टी के सभी जिला के प्रमुख लोग भी आए थे। यहाँ पर घटनास्थल पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तो ये बहुत दुखद घटना है और बहुत साधारण परिवार है। मैंने अभी उनकी दुकान को देखा, बहुत छोटी सी दुकान, सुनार की दुकान है, और ऐसा लगता है कि एकदम टारगेट करके इनकी हत्या की गई है। ऐसा नहीं कि कोई छीन छोर का मामला हो, कोई लूटपाट का मामला हो। और उसी समय बिजली जाती है। अब ये बिजली गई, और बिजली कैसे गई, और बिजली गई ताकि कोई पहचान ना सके। नहीं तो शायद अगर बिजली रहती तो अपराधी पहचाने जा सकते थे। दरभंगा जिला के टाउन हॉल में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष राकेश नायक ने किया। कारी शोएब के अभिनंदन समारोह में युवा के साथ साथ कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन के सरकार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रोजगार की गारंटी देते हैं और रोजगार जरूर मिलेगा, धैर्य रखने की आवश्यकता है।